भाई ये खाली गार दिख रही है उनकी, ये झाड़ के अंदर रास्ता है, बहुत कठिन रास्ता है, इतनी छोटी गार में जो है ना अंदर जाना है अभी झाड़ के अंदर। आओ अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। हम लोग आए हफ्पियम के झाड़ के पास और हम लोग को जो है ना बहुत लोग बोले क्या कि वीडियो बनाओ बोल के, इंशाल्लाह आए हुए और अंदर जाने का इसके अंदर जो है ना गार भी कहते वो भी दिखाएंगे आप लोग को। आइए आओ जी, डोरे बनाओ। इतना बड़ा झाड़ है भाई, यहाँ देखो समझ नहीं आता आपको, ये झाड़ अभी कच्चा है, इसको भी ये जो है ना अभी पत्ता निकल रहा है, इसको भी यहाँ से ग्रीन पत्ता नया पत्ता निकल रहा है इसमें, और दिखने में पूरा जो है ना ग्रेनेड का पत्ता दिख रहा है। ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना पूरा राउंड अप जो है ना 24 मीटर है पूरा ये पेड़, और वो कहीं कीड़ा लगे हुआ भी नहीं है भाई, कहीं दीमक भी नहीं है, इतना बड़े झाड़ और इतना पुराना झाड़ है। फाइनली जो है ऊपर आ गए, बहुत कठिन रास्ता था, अभी घर के अंदर उतरना है अभी, अब नीचे जाने वाले हम लोग। भाई ये खाली घर दिख रही है उनकी, ये झाड़ के अंदर रास्ता है, बहुत कठिन रास्ता है, इतनी छोटी घर में जो है ना अंदर जाना है अभी झाड़ के अंदर। आओ आओ डोरेमोन। अंधेरे में तो ये ठहर नहीं सकते, ये जो है झाड़ के पेड़ है अंदर जो है ना बेहतरीन बेडरूम जैसा बना हुआ है, ये जो दिख रहा ना आपको पूरा ये पेड़ है ये। इसकी हिस्ट्री जो है ना, इसके अंदर जो है पहले जमाने में जब चोरान छुपे थे देश में, बहुत पुरानी स्टोरी है इसकी, बहुत बड़ी स्टोरी है भाई। ये रास्ता देखो कितना डेंजर है, किसी को मालूम भी नहीं होता मैं इसमें से आना कैसा। डोरेमोन ये देख रहे पेड़ आप, कैसी इतनी बड़ी पेड़ है, कैसा कांटा झाड़ होगा ये, इतनी बड़ी झाड़ की आप पेड़ देखे कभी? नहीं देखा भाई, क्या खासियत होंगी ये झाड़ की, इतना बड़ा है झाड़ के अंदर जो घर है, ये रूम के सरकार है पूरा बेहतरीन बने हुआ, और ये झाड़ जो है अभी भी फूल वगैरह पत्ते पूरे आते हैं इसको, अभी जो है ना धुपका लगी वजह से क्या है सूख गया हुआ है झाड़ ये, सर्दियों में अच्छा दिखता है, सर्दियों में बेहतरीन पूरा पत्ता वगैरह फूल पूरा आता है इसको। भाई यहाँ पर अंदर पूरे बिलां बने हुए है, अंदर सुराखा है, अगर कोई आ रहे है तो देख समझ के आइए सावधानी के साथ। ये तो छोड़िए ऊपर चमड़े के चुड़िया भी है, अंधेरे में दिख रहे नहीं, देख समझ के आना, आ रहे भी तो। डोरेमोन आए तो क्या है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। हाँ वही आके चल जाना, छेड़ना नहीं, छेड़ना नहीं है, सावधानी से आना, और यहाँ फिकरना दिखना करना कुछ नहीं है। इकराम भाई परसों ही बोला था आशिकों की स्टोरी, आपको जहाँ गए वहाँ फिकर के कुछ ना कुछ निशान बनाते रहते, अपना टैटू डालते रहते इस पर। ये आशिकों की क्या है पुरानी पैदाइशी आदत है, ये आदत से मजबूर है वो। नहीं करना ना हर चीज को खराब, गंदा कर दे रहे हर चीज को लिख के। भाई चलो जी भाई ये घर में से निकलेंगे, डर हो रहा है यहाँ पे पहले। डरते जी इसमें क्या है भाई, चमड़े है पूरा ये अंदर, बेहतरीन है भाई, आराम कर सकते, इतना बड़ा रूम है बने हुआ। आवाज़ डोरेमोन अंदर ही छोड़ के निकल जाते आप,
इतना सुकून दिख रहा है बाहर निकले तो। अंदर क्या है, अंधेरा है ना जी, लाइट वगैरह रहता तो अंदर उजाला होता तो क्या है, सुकून दिख रहा अंदर भी। वाकई बहुत बड़ा ख्याल है। राम भाई खास बात देख रहे स्कूल क्या तो यहाँ पे भी लिखे हुआ आशिका, यहाँ भी लिख दिया आशिका। ये नहीं सुधरते आशिका है, कहीं भी जगह मिली तो नाम लिख देते, क्या अपना है समझते क्या नाम लिख दिया। ये झाड़ जो है ना 600 साल पुराना झाड़ है, 600 साल पहले जो है ना इसको पेरे थे अफ्रीका से लाके, और चार मीनार से पुराना झाड़ है ये, चार मीनार भी नहीं बना था जब का, इससे भी पुराना झाड़ है ये, और आज भी जो है ना इसको फूल वगैरह लगते हैं, अभी धुपका लगने की वजह से पत्ता पूरा झड़ गया हुआ है इसका। इस साइड जो है झाड़ है और बैक साइड पे जो है ना एक सुंदर बेहतरीन मस्जिद है यहाँ पर, इसमें जो है भी अभी नमाज वगैरह बंद है कहते अभी, और इसको भी देखेंगे अपन। मस्जिद के इस साइड जो सामने साइड जो है ना गुल्स ग्राउंड है, यहाँ पर बहुत बेहतरीन ग्राउंड है। तुम्हारे आशिक खान जो है ना मस्जिद के ऊपर भी नहीं छोड़ रहे, मस्जिद के ऊपर भी जो है ना नामा वगैरह लिख के रख दिए। सब आशिकों से बोलना चाह रहा हूँ, मस्जिद की दीवार को तक ऐसा मत लिखिए भाई, भेद भी होती है। ये मस्जिद का नंबर है सामने, ये सामने जाली को जो है ना ग्रिल को लॉक करा हुआ है, और माशाल्लाह बेहतरीन अच्छा, अभी जो है ना उसको डैमेज वगैरह नहीं है ज्यादा, बेहतरीन मस्जिद है। अब ऐसे देखो पूरा झाड़ जो है ना पूरा आपको नजर आएगा, माशाल्लाह इतना बड़ा झाड़ दिख रहा है इधर से ऊपर से बहुत। यहाँ पर डिश रखने से कबूतरों के लिए पानी रखने से पानी खत्म हो गया है इसमें, इंशाल्लाह ज्यादा बहुत पानी डाल के जाएंगे उसमें। और इधर से देखिए आप कैसा दिख रहा है नजारा, इसका झाड़ का पूरा दिख रहा है, और झाड़ इतना ही इनको समझिए आप, इसके जड़ा जो है ना पेड़ा जो है ना नीचे भी इधर भी तक आए हुए है इधर भी। ये आप देख रहे हैं जो है ना मस्जिद के नीचे के हिस्से में जो है ना कमान बने हुए बेहतरीन है माशाल्लाह, आज भी जो है ना कुछ डैमेज नहीं हुआ इसमें। चलो भाई यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है, और हमारे चैनल को जो है ना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, कमेंट में लिख कर बताइए कैसा लगा हमारा वीडियो। आप लाइक, अल्लाह हाफिज़।